जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरिद्वार की महत्ता से तो आप सभी परिचित होंगे और लगभग बहुत से लोगों ने हरिद्वार में गंगा स्नान भी जरूर किया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हरिद्वार के 15 पौराणिक रहस्यों के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपकी जानकारी को जरूर बढ़ाएगा। शुरू करते हैं। नंबर एक, हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात हर के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हर द्वार से ही शुरू होते हैं, जो हर के द्वार यानी कि कैलाश तक जाते हैं, और हरिद्वार महादेव जी का अत्यंत प्रिय स्थान भी है। इसी कारण से इसे हर का द्वार भी कहा जाता है, यानी कि वह द्वार जो हर तक लेकर के जाता है। दूसरा, हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया था, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक में विख्यात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वह हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यहीं दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। यह संसार में बसा दूसरा नगर था, पहला काशी और दूसरा हरिद्वार, इसलिए भी इसकी महिमा अनंत है। नंबर तीन, हरिद्वार में कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे सोभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था। बाद में भगवान विष्णु के द्वारा उसका सर विच्छेद कर दिया गया था, जिससे राहु और केतु का जन्म हुआ और नवग्रह में स्थान मिला। अमृत छलकर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और यह कुंभ नगरी बन गई, जहाँ हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। पुराणों और शोध में मिले तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं दोनों कारणों से यह स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हो गया और इसे भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करके हरिद्वार बनाया। तब से इसके दो नाम पड़े, हर का द्वार यानी कि हरिद्वार और हरि का भी द्वार यानी कि हरिद्वार। हरिद्वार संसार का पहला वह स्थान है जो भगवान हरि और शिव दोनों को बहुत पसंद है और उनके नाम से जाना जाता है। नंबर पांच, राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदि शक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने का वर मांगा, तो माँ उनके घर में पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदिशक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यहीं उनका बालपन और युवावस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया तथा भगवान महादेव जी ब्रह्मा विष्णु जी इंद्र सूर्य चंद्र आदि देव लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी गायत्री आदि देवियों और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर आए थे और माता सती से विवाह किया था। इस कारण से भी हरिद्वार की महानता बहुत बढ़ जाती है। नंबर छः, राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया था, जहां राजा दक्ष का महल था। नंबर सात, गंगोत्री जहां से गंगा जी का उद्गम है उसका रास्ता भी हरिद्वार से ही होकर जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती हैं, इसलिए इसकी महिमा माँ गंगा की कृपा से और भी बढ़ गई है। नंबर आठ, चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देव आज्ञा है शास्त्रों अथवा पुराणों में, क्योंकि चार धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। नंबर नौ, महादेव जी की पुत्री माता मनसा जो वासुकी नागों के राजा की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है।
जो मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं, जहां हजारों भक्तगण प्रतिदिन माता के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण माँ को मनसा देवी कहा जाता है। नंबर 10, रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्री राम को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि टालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ, तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म की स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजें, वो माँ चंडी देवी के नाम से विश्वविख्यात हुई। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम जी ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज के साथ यहां आकर माता के दर्शन किए थे और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। नंबर 11, माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी उनका देह लेकर बहुत समय तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया। तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्र से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेदित किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी और हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। नंबर 12, ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं की अति प्रिय स्थली होने के कारण ही इस भूमि को देव भूमि हरिद्वार भी कहा जाता है। नंबर 13, जिस पहाड़ की चोटी पर बैठकर महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु वीरभद्र, देवी महाकाली, भैरव, क्षेत्रपाल, नंदी, नवदुर्गा आदि सेना की कमांड की थी, उन्हें नेतृत्व किया था, वो पहाड़ की चोटी भी हरिद्वार में ही है, जो नील पर्वत के नाम से जानी जाती है। नंबर 14, हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव आदि शक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अति प्रिय है, इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आवागमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु अथवा गंगा स्नान हेतु आते रहते हैं। नंबर 15, भीम ने भी घुटनों तक जल में खड़े होकर जिस स्थान पर तप किया था, भीम गोड़ा जिसे कहते हैं, वह भी हरिद्वार में ही है। हरिद्वार की महिमा अनंत है, जो यहाँ कह पाना असंभव है। सतयुग से महाभारत काल तक की अनेक कथाएं चमत्कार से भरी हुई हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमो नारायणा, हर हर महादेव के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।